स्टैंडर्ड 5, ये हिंदी ग्रामर है आप लोगों का। मैं सुजाता कुमारी, फर्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाई हूँ। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। ये आप लोगों का क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे पहला आप लोगों का, बच्चों आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन आंसर करने के लिए? अपने कॉपी को निकालिए, कॉपी खोलिए और अपने क्वेश्चन आंसर को तैयार कीजिए। यहाँ पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? बच्चों फर्स्ट चैप्टर में भाषा किसे कहते हैं ये मैं आप लोगों को बताई हूँ, फिर भी अभी मैं बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए। जब आप लोग आइएगा तो इसको मैं देखूंगी और आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोग क्या याद किए और क्या पढ़ाई किए हैं घर पे बैठ करके। तो आइए, भाषा के बारे में मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों का पहला आंसर है, भाषा किसे कहते हैं? तो अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाने के साधन को क्या कहते हैं हम लोग? भाषा कहते हैं। अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के साधन को भाषा कहते हैं। ये आप लोगों का हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, लिपि से आप क्या समझते हैं? लिपि से आप क्या समझते हैं, इसको भी मैं आप लोगों को बताई हूँ। बच्चों इसको भी फिर से बता रही हूँ, लिपि भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। क्या बोली हूँ मैं आप लोगों को? भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। लिपि का हो गया आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है, व्याकरण के अंगों के नाम लिखिए। व्याकरण के अंगों के नाम लिखिए, ये भी मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई हूँ कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो बच्चों व्याकरण के चार अंग होते हैं, कौन कौन? पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। पिछला वीडियो आप लोग खोलिएगा तो उसमें भी आप लोगों को मिलेगा। वैसे मैं अभी आप लोगों को बताई हूँ, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। इसी को लिखिएगा कि पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। ये हो गया आप लोगों का तीनों क्वेश्चन का आंसर, मैं बताई हूँ अभी। अब आइए आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन भाषाओं की लिपियाँ लिखिए। इन भाषाओं की लिपि, भाषा मैं पढ़ाई हूँ उसका लिपि भी मैं बताई हूँ, उसी से कुछ क्वेश्चन है उसका लिपि पूछ रहा है जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ आप लोगों को। यहाँ पे पहला है, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? बच्चों पहले मैं बताई, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है। यहाँ पे दूसरा है, उर्दू भाषा की लिपि क्या है? उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि होती है। यहाँ पे मराठी भाषा की लिपि पूछा गया है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि होती है। यहाँ पे कश्मीरी का है, कश्मीरी भाषा की लिपि क्या है? फारसी भाषा है, फारसी लिपि है। कश्मीरी भाषा की लिपि फारसी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। कश्मीरी का भाषा की लिपि फारसी है। ये हो गया आप लोगों का लिपि। यहाँ पे आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन है, क्या है?
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, इसको पूर्ति करना है, जो मैं यहाँ पे भर करके आप लोगों को बता चुकी हूँ, बताई हूँ। आप लोग को दिखेगा यहाँ पे थोड़ा डीप में लिखा हुआ है, जो आप लोगों को रिक्त स्थान भरा हुआ है। पहला क्या है बच्चों, यहाँ पे क में है, चीन में डैश भाषा बोली जाती है। पूछ रहा है चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे मंदारिन भाषा बोली जाती है। यहाँ पे मैं भर के बताई हूँ आप लोगों को। ख का है, ख में जर्मन भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है। पूछ रहा है जर्मन भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो जर्मन भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। ग में है, नेपाल की भाषा डैश है। नेपाल की कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा बोली जाती है, तो नेपाल में नेपाली भाषा बोली जाती है। इसका लिपि पूछा गया, तो नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। यहाँ पे भाषा पूछा गया है, तो नेपाली भाषा है। घ में है, हिमाचल प्रदेश में डैश भाषा बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। यहाँ पे लास्ट है, हमारे देश की राजभाषा, यहाँ पे हमारे देश की राजभाषा डैश है। तो राजभाषा राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे राजभाषा राजभाषा है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। चौथा क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए, सही विकल्प चुनना है। इसमें से जो विकल्प चुनना, यानी कि दो चार ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से कोई एक आंसर होता है। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है आप लोगों का, चौथा का क, नेपाली भाषा की लिपि क्या है। नेपाली भाषा की लिपि पूछा गया है, नेपाली है, देवनागरी है, रोमन है, तो नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। ख में है, इस भाषा की लिपि रोमन नहीं है। कौन सी भाषा की लिपि रोमन नहीं है, तो यहाँ पे मंदारिन है, फ्रांसीसी है, अंग्रेजी है, तो इस भाषा की लिपि रोमन नहीं है, यहाँ पे मंदारिन होगा। मंदारिन भाषा की लिपि रोमन नहीं है। यह भाषा दाई से बाई ओर लिखी जाती है। कौन सी भाषा पूछ रहा है कि दाई से बाई ओर लिखी जाती है, तो यहाँ पे कश्मीरी है, कश्मीरी भाषा दाई से बाई ओर लिखी जाती है। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विकल्प में से हिंदी इन राज्यों की भाषा है। हिंदी इन राज्यों की भाषा है, कौन से राज्यों की भाषा है, हिंदी कौन से राज्य में बोली जाती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये पहला ऑप्शन आप लोगों का होगा। ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है, जो मैं भाषा पढ़ाई थी उसमें भाषा लिपि व्याकरण की जानकारी दी थी। ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों का तैयार हो गया बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से लिखिएगा और याद भी कीजिएगा। थैंक यू।